Good morning, students. So now I am also going to join with you in 10 because we have to complete our course. I am going to take half portion of your social science in that geography and economics. Okay. So before this also we are joined with you. I have joined with you in April, but that is in the PPT form. But now it is, I think, first or second chance that visually we are going to learn something. Okay? Already maybe you are having a syllabus with you, and that you can see that in economics there are, we can say not any lesson was deducted, means full course you have to go through. Similarly, in geography also there is not much variations. That means an ample of course how to be cleared before the exam. We don't know what's the condition in the future because of the COVID-19. But anyhow, today and for ourselves, we have to study. Then today we are going to start the second lesson, sectors of the Indian economy. Indian economy, yani ki Bharatiya arthik sthiti. आप सब जानते हैं आजकल आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारी बातें जो है हाईलाइट हो रही है. इन हाईलाइट होती भी बातों में अगर हम मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने नए लेसन्स को और मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ 10th में, क्योंकि आधा कोर्स मुझे करवाना है आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मेरे हाथ में. तो हम पहले भी कर चुके हैं इसको अप्रैल के अंदर पीपीटी फॉर्म में. अब हम लोग जो है आमने सामने जो है इसको सीखेंगे. तो आज सेकेंड चैप्टर हमने लिया है इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स में कोई भी लेसन जो है वो कट ऑफ नहीं किया गया है, आपको सारे के सारे लेसन पढ़ने. तो यानी कि हमारे पास काफी बड़ा कोर्स है जिसे हमें एग्जाम के पहले कंप्लीट करना है. देखिए, जो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, दोनों में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें सब कोर्स ही कम्प्लीट नहीं करना, हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और हमें मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी है. एटलीस्ट 6 मार्क्स का मैथ तो आता ही है ज्योग्राफी में से, और या 8 मार्क्स का आता है तो 4 ज्योग्राफी का होता है, 4 हिस्ट्री का होता है. सो आपको जरूरी है कि बोर्ड क्लास होने के कारण आप क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए और पढ़ाई करें. कुछ एक बातें हैं, कुछ एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी होगी. वो ये है कि जब भी असाइनमेंट दिया जाएगा आप 2 दिन के अंदर सबमिट करेंगे, उसके बाद नहीं सबमिट करेंगे और ये नहीं कहेंगे सॉरी मैडम ऐसा हो गया, सॉरी मैडम ऐसा हो गया. नहीं, आपको देना है 2 दिन में दीजिए. दूसरी बात, मैं आपके क्वेरी ग्रुप में जुड़ चुकी हूँ तो मैंने ये भी देखा था कि आप लोग रात रात तक क्वेरी ग्रुप में जो है होमवर्क डालते. मेरे साथ ऐसा मत करिएगा. जब आप मेरे लिए मेरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी का होमवर्क डाल रहे हैं तो आप उसको 1:30 बजे के अंदर डालें, आज की 1:30 बजे और कल की 1:30 बजे. 2 दिन आपके पास है, आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं. पर 1:30 बजे के बाद रात को आप बिल्कुल ये सिलसिले नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं सेंड करेंगे. इसके अलावा आप कोई भी तरीके की, मतलब आपको बुक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्वेरी ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो. मैसेज के अंदर अगर मैं आंसर दे सकती हूँ तो मैं दे दूंगी आपको आंसर, अन्यथा मैं मैसेज में ही आपको ये बोल दूंगी कि ये जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं इस तारीख के लेसन में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो मैं आपको बता दूंगी कि फर्स्ट डे के लेसन में कर रही हूँ, सेकेंड डे के लेसन में कर रही हूँ, थर्ड डे के लेसन में कर रही हूँ. तो मैं आपको उस दिन एक्सप्लेन करूंगी तो आप उस दिन का जो वीडियो आएगा उसे आप देखिएगा, अंडरस्टूड. क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको
आप क्या है व्हाट्सएप में नहीं सेंड कर पा रहे और एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी पूरी तरह से नहीं जा पा रहा, बच्चे को नहीं मिलेगा, तो बेटर होता है कि उसे इस तरह से समझा दिया जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और पर्सनल कोई कम्युनिकेशन मैं पसंद नहीं करती, जैसे कि आप लोग आपस में बात करते हो डिलीट करते हो, तो वो नहीं करेंगे जब मैं आपकी क्वेरी में आती हूँ तो। ओके, सो यहाँ पे ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन एंड दिस इज लेसन नंबर 2 सेक्टर्स, देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब पहली बार हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप मुझे क्लियर बता देना बाद में कि यू प्रेफर हिंदी और यू प्रेफर फुल इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। सो आई विल गो विद दैट, ओके। और मैं जब भी पढ़ाऊंगी आपकी किताब खुली होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचना कि मेरा वीडियो देख के आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं आता। दुनिया में किसी को भी वीडियो देख के हर चीज समझ नहीं आती, उसको टेक्स्ट बुक की जरूरत होती है, इसीलिए गवर्नमेंट से छाप कर देगी। और हम सब बच्चों के आपके हमारे जमाने में हर समय बैग में बुक रहा, ठीक है। वीडियो में अगर पीपीटी भी आ रही है तब तो समझ आता है कि आप उसमें से देख सकते हैं, पर मेरी वीडियो में ऐसा नहीं है। तो आपको बुक खुली रखनी है, हाथ में पेंसिल रखनी, ताकि आप बुक में जो मैं कहती हूँ लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको वो साथ के साथ करते रहना होगा। सो ये दो चीज आपको हर समय ध्यान में रखनी। जो जो मैं आज बोल रही हूँ वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो आपने ये जो भी चीज आपको मैं बोल रही हूँ उसको एज इट इज फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, ओके। देन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। हमारी दुनिया में हजार प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है। मैं भी अभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक है। आप जो है बड़े हो जाएंगे तब इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटीज है, नीचे तस्वीरें दे रखी है। कोई ईंट बना रहा है, कोई चिट्ठी बांट रहा है, कोई जो है वो क्या कर रहा है सामान बेच रहा है, कोई कपास इकट्ठा कर रहा है, और कोई बने हुए कपड़े जो है वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है। सो अल्टीमेटली इतनी वास्ट वैरायटी है एक्टिविटीज की, तो आप कैसे समझेंगे कौन सी एक्टिविटी क्या है और इंडिया में किस किस प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सीधी सी बात है, हम उसके क्राइटेरिया बना दें, उसका एक सिस्टम बना दें और उस सिस्टम के आधार पे हमें उसे ब्लॉक में डाल दें, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है उसके क्राइटेरिया के आधार पे जब ब्लॉकिंग करते हैं तो उन्हें कहते हैं सेक्टर्स, ओके। तो सेक्टर्स और कुछ भी नहीं है, एक एक अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है और हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। There are many activities that are undertaken by the directly using natural resources. Take from example the cultivation of cotton. It takes place within the crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly, not entirely, on the natural factor like rainfall, sunlight, then climate. The production of these activities, cotton. Is a natural product. Similarly, in the cases of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of the fodder, etc. अब यहाँ पर दो तरह की चीजें बताई हैं, एक तो खेती और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि मवेशी या जानवरों का को परवरिश देना या उनको संभालना ताकि उनसे कुछ उत्पादन मिल सके। खेती करते हैं पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर होते हैं, मिट्टी सूर्य पानी ये तीनों चीज मना के पेड़ को क्या करती हो बढ़ाती है, उसको फल उसमें अन्न आता है धान आते हैं और उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेबर लगाना पड़ता है, कोई स्किल की जरूरत है एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आजकल तो हम कहेंगे एजुकेशन की जरूरत है, परंतु अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो क्या कर सकता है एक पेड़ तो उगा सकता है। अल्टीमेटली इसी प्रकार से मवेशी पालन या फिर जानवर को परवरिश देना जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है कुछ जैसे दूध मिलता है और हम कह सकते हैं कि मीट मिलता है अंडा मिलता है और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसमें ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें भी इंसान को कोई खास अपना हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है, बस उसको चारा वगैरह देना है और उसकी क्या करनी परवरिश करनी, पर वो तो अपने आप से प्रकृति के तरीके से क्या करती प्रोडक्शंस दे देता है एनिमल। तो यहाँ पर दोनों ही चीज में हैवी लेबर है,
स्किल्ड होना जरूरी है, साथ में वो नेचुरल नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचुरल है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्शन हियर मिल्क ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट, सिमिलरली मिनरल एंड द ओट्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। When we produce the goods by exploiting the natural resources, it is the activity of the private sector. प्रकृति का शोषण करके, ये प्रकृति में से हम लोहा सोना चांदी निकालते हैं, वो तो प्रकृति की बनाई हुई है ना, हमने तो कुछ नहीं बनाया, अल्टीमेटली हम सब निकाल रहे हैं उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटी थी, जैसे खुदाई करना, माइनिंग करना और उसमें से क्वेरी मतलब निकालना, ये सारा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ये सिर्फ रॉ मटेरियल बनाता है, फिनिश गुड्स नहीं बनाता। तो ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जाती है, दूसरी जगह जाती है, वहां पर ये प्रोडक्ट्स के रूप में कन्वर्ट होती है। ओके, सो इसे कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और रिटेल सेक्टर्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर दूसरा हिस्सा, तो हम पहले प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, फिर सेकेंडरी क्लास में आए, फिर जो है सीनियर सेकेंडरी में आ गए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अब हम सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर से लिया हुआ रॉ मटीरियल और दूसरे जो रॉ मटीरियल है उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करता है कौन, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज बना देता है जिसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो ये चौक है, चौक प्रकृति में पाई जाती चूना पत्थर के रूप में, परंतु उस समय हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, अभी चौक बन गई तो हम इसका क्या कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। तो सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। So now, secondary sector convert the activities in which natural products are changed into other form through the way of manufacturing that we associated with the industrial activity. It is the next step after the primary sector or primary system. The products is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. कोई भी प्रोडक्शन यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से नहीं बनता, उसको बनाना पड़ता है, उसको इसमें इंसान को तकनीक, मशीन और नॉलेज लगाकर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कपास है, कपास को इकट्ठा करना, उसको स्पिन करना और उसको धागा बनाना और धागे से कपड़ा बनाना प्रोसेस है, और वो बनता है सेकेंडरी सेक्टर के तहत। गन्ना काटा, गन्ने को इंडस्ट्री में ले गए और वहां पर शुगर केन का शुगर बनाया, गुड़ बनाया, गुड़ आप सब जानते हैं घर में होता है, तो ये जो कहलाता है ये आता है आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन सिस्टम है। इसके अलावा मिट्टी खोदी, मिट्टी की ईंट बनाई, ईंट से इमारत खड़ी की, अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया आपका जो सेकेंडरी सेक्टर में। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर काम इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है, मशीन के द्वारा होता है। ओके, तीसरा जो आता है वो आपका आता है टर्शियल सेक्टर। टर्शियल सेक्टर जो है ये दोनों, यानी कि आपके प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में काम करता है, यानी कि दोनों की हेल्प करता है कि दोनों डेवलप हो सके। इस सेक्टर के अंदर हम देखें तो ज्यादातर मैन टू मैन सर्विसेज आती है, मैन टू मैन सर्विसेज और क्या करता है, सपोर्ट करता है। So now let's go there. The primary and secondary sectors, they are the third category of the activities fall in under the tertiary sector, and is different from the above two. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. As I said, that these activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support to the production process. ये कुछ कुछ बनाता नहीं है परंतु सपोर्ट करता है। शुगर केन को खेत से इंडस्ट्री तक लेके जाता है, कपास को खेत से इंडस्ट्री तक लेके जाता है, इंडस्ट्री से मार्केट तक लेके जाता है, मार्केट सेटअप होता है, करेंसी यानी कि बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल करता है,
इस तरीके से अगर हम देखें तो ये मैन टू मैन सर्विसेज करता है। इसके अंदर हम देखें तो बहुत बड़ा इसका दायरा है। अगर हम देखें छोटा सा मोची से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी इसी सेक्टर में आते हैं। छोटा ऑटो वाले से लेकर हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो हम कहते हैं सीए वगैरह है, इंडस्ट्री में काम करे सीए वगैरह जो है अकाउंट्स का काम करते वो लोग इसके अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे लोग जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। देन हम देखें तो इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में आप देखें कॉबलर है, घूमड़ा बेचने वाला है, एक अखबार बेचने वाला है, एटीएम बूथ है, बैंकिंग है, लॉयर है, सब इसके अंदर आते हैं आपके टर्शियरी सेक्टर में। क्योंकि मैन टू मैन टीचर्स भी मैन टू मैन, हम मैन है और दूसरे मैन आप बच्चे हैं ह्यूमन, उनकी सर्विस कर रहे हैं। डॉक्टर जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन सर्विस दे रहे हैं। तो इन्हें हर एक ब्लॉक के 3 पॉइंट बन रहे इजिली, 3 पॉइंट विद देयर एग्जाम्पल्स। ओके, तो आपको ये 3 पॉइंट और एग्जाम्पल्स ध्यान में याद करके रखने। जब मैं असाइनमेंट दूंगी तो मैं ये देखूंगी कि बच्चे तीनों पॉइंट लिख रहे हैं और एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं, यानी कि टोटल 4 पॉइंट आपके प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्शियरी के बन गए। ओके, आज के लिए सिर्फ ऑरल वर्क है, आपको पेज नंबर 21 में जाना है, पेज नंबर 21 को पढ़ना है और उसको क्या करना है, फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।